Hey guys welcome to my YouTube channel Logical Thinkers in this video I will discuss about mobility and effect of temperature on mobility द मोबिलिटी ऑफ अ कैरियर इज डिफाइंड एज इट डिटरमाइंस हाउ फास्ट अ कैरियर एज इलेक्ट्रॉन और होस कैन मूव अ मटेरियल इन अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स मोबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना इजी मूव कर पा रहा है या फिर अगर दूसरे वे में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन या होल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसे कहते हैं मोबिलिटी इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बराबर होता है अपॉन मतलब ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ड्रिप वेलोसिटी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसमें वीडी मतलब होता है ड्रिप वेलोसिटी और ई e का मतलब होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसका यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड आइए अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी जिसमें ये मोबिलिटी है म्यू और ये टेम्परेचर है टी अगर इसमें हम टेम्परेचर और मोबिलिटी को प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिस स्कैटरिंग क्या होती है और इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या होती है लेटिस स्कैटरिंग का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ एटम को ऑसिलेशन बढ़ना उनसे इलेक्ट्रॉन का कोलाइड होना और स्केटर्ड होना और इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का मतलब होता है मटेरियल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनसे इलेक्ट्रॉन का इंट्रक्शन होना और स्केटर्ड होना ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी डिक्रीज होती है लैटिस स्कैटरिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब अब थ्री हंड्रेड कैलविन जितना टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एटम का कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन से इसलिए मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अबव थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर लेटिस केटरिंग की वजह से जब टेम्परेचर कम होगा तब लैटिस स्कैटरिंग की वैल्यू नेगेजिबल होगी इसलिए अब थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर पर हमने यहाँ पे लैटिस स्कैटरिंग को मेंशन करा हुआ है बिलो 300 हंड्रेड कैलविन मोबिलिटी इंक्रीज होती है यहाँ इंप्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है स्कैटरिंग तो हमेशा मोबिलिटी को डिक्रीज करती है यहाँ मोबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ जब टेमरेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वीडी जिसमें वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वीडी स्क्वायर तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वीडी की वैल्यू भी बढ़ रही है और वीडी बराबर है म्यू इंटू तो जब वीडी की वैल्यू बढ़ेगी तो मू की वैल्यू भी बढ़ेगी इसलिए यहां पे म्यू की वैल्यू बढ़ रही है गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज प्लीजाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू